मुख्यमंत्री आखिर आपराधिक मामले में वो अपनी चुप्पी कैसे तोड़ेंगे, जब उन पे ही आपराधिक मुकदमा हत्या का जब चल रहा हो। तो कल कोर्ट में तारीख था, आज भी तारीख है, एक और तारीख दी गई है मुख्यमंत्री के मुकदमा जो चल रहा है। तो जहां सीएम वर्सेस बिहार सरकार वर्सेस नीतीश कुमार हो, तो वहां तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। और ये कॉग्निजेंस के बाद 2009 का कॉग्निजेंस मुख्यमंत्री पर लिया गया हो आपराधिक मुकदमा का, और आज 2018 चल रहा है, लगभग 10 साल जो है पूरा होने जा रहा है, और मुख्यमंत्री के केस में क्या अब तक कार्रवाई की गई, क्या जांच हुई, किसी को अता पता नहीं है। और मुझे दुख होता है कि जब बिहार का मुख्यमंत्री पे मर्डर का मुकदमा चल रहा हो, कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही हो, और ये कहीं नज़र नहीं आ रहा, किसी को खबर नहीं हो, और दूसरी तरफ हमारे भाई का जो पर्सनल मैटर जो केस में चल रहा हो, वो पूरी तरीके से चारों ओर जहां पर्सनल पारिवारिक बात है वो सामने चर्चा का विषय बना हुआ है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का मर्डर का मुकदमा जहां सुनवाई हो रही हो वो चर्चा का विषय नहीं बना हुआ, तो इसको देखते हुए हमको थोड़ा इस बात को लेकर के पीड़ा है। हम लोगों के मुकदमे में तो अगला जो तारीख जो होता है वो लोगों को पता होता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पे केस चल रहा है मर्डर का, सुनवाई हो रही है कोर्ट में, और किसी को ये अता पता नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो खुद आपराधिक क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ जो मुख्यमंत्री है, हम लोग उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपराधिक मामले में आकर के अपनी बात को रखेगा और सही ढंग से कार्रवाई करेगा।